हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आप अच्छे हो? मैं भी अच्छा हूँ। और हमारे चैनल को इतना सपोर्ट के लिए आपको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। और आज मैं एक मैथ्स की ऐसी ट्रिक्स लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई हो, जो कि है डिजिट के ऊपर। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इतने टफ नहीं है, लेकिन उसे माइंड से हमें सोल्व करना होता है। तो मैं वैसी एक ट्रिक आज लेकर आया हूँ, और जिसे हम माइंड मैजिक भी कह सकते हैं, और माइंड मैथ्स भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अभी हमारे चैनल में नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दो, और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो कुछ ऐसा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 × 50। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा एग्जाम्पल कोई हमें यहाँ पर पूछा जाए, या एग्जाम में ऐसा कुछ यहाँ पर जो डिजिट है वो चेंज भी हो सकती है, या लाइक 2 3 4 7 या ऐसे भी हो सकते हैं, 10 डिजिट हो सकती है या 11 डिजिट हो सकती है। यहाँ पर फ्रेंड्स, आज तो मैं सिर्फ 50 का ही मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाला हूँ, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स कैसे करेंगे। बाद में आने वाले वीडियो में मैं आपको 75 और 25 का भी लॉजिक सिखाने वाला हूँ, और उसकी ट्रिक है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो सम है उसे हम ट्रिक्स के बेस पर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 × 50। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे इसे गुना करें तो ज़्यादा टाइम लगेगा, वो तो हम जानते हैं, लेकिन इसको जो टाइम है वो कम से कम लगे, इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। तो सबसे पहले हमें क्या करने का है, जो ये नंबर दिए है कितना डिजिट है, 8 डिजिट है, 8 डिजिट है, राइट? सो सबसे पहले हमें इसे 100 से गुना करना होगा, क्या मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 00, ठीक है फ्रेंड्स? और जो आंसर आया है 1 2 3 4 5 6 7 00, उसे हमें 2 से डिवाइड करना है। तो आंसर क्या आएगा, 6 1 7 2 8 3 9 00। सो फ्रेंड्स, अब हम जो आंसर है जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 × 50, उसका आंसर भी सेम ही आता है। आप दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये ट्रिक्स अच्छी है, और आप इसे उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन में दिए, लेकिन आप उस वे से करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा है वो लगेगा। इसलिए आप जो मैंने ट्रिक सिखाई वो करेंगे तो आपका टाइम कम से कम, और मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आपको इसमें ग्रिप आ गई ना, तो आप 15 या 20 सेकंड में आप इसे सोल्व कर लेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।